बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन स्टेटमेंट है ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग ऑन ए बेंच, मतलब यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन आर 5, लेट अस टेक दैट 1, 2, 3, 4 और 5, ये पांचों का सिटिंग अरेंजमेंट प्लान करना है। डिटेल्स क्या है देखते हैं। ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, मतलब ए नेक्स्ट टू बी, चांस ये हो सकता है या तो ये भी हो सकता है, पता नहीं कौन सा वैलिड है। सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, मतलब फिर से ये सी डी भी हो सकता है, डी सी भी हो सकता है। डी इज नॉट सिटिंग विद ई, मतलब डी ई के साथ ना ऐसा बैठ सकता है और ना ऐसा बैठ सकता है, दोनों भी वैलिड नहीं है। बट ई कहां पर बैठा है, ई हुई सिटिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बेंच। लेफ्ट साइड मतलब लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच मतलब क्या, अगर ये हम देखें, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर स्पेसिफाइड नहीं है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ या राइट एंड लेफ्ट, बाय डिफॉल्ट आपका लेफ्ट एंड राइट, इनका लेफ्ट एंड राइट रहेगा। तो लेफ्ट एंड में यहाँ पे ई को अगर प्लेस कर दिया तो हमारा पहला सिटिंग हो गया। अब नेक्स्ट क्या बोला है, सी इज ऑन द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द राइट, सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द राइट, फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द राइट। ओके, ए इज टू द राइट ऑफ बी एंड ई, ई का पोजिशन ऑलरेडी प्लेस है और ए और बी का रिलेशन दिया है, ए कहां पर बैठा है बी के राइट हैंड साइड में। अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे ए कहां पे है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बी, मतलब ये वैलिड नहीं है, ये अकेला वैलिड है। पर यहाँ पे एक और चीज क्या बोलिए, ए भले ही राइट हैंड साइड ऑफ बी में बैठा है पर वो राइट हैंड साइड ई के ऊपर बैठा है, मतलब ई के राइट हैंड साइड में कौन आएगा, बी, और बी के राइट हैंड साइड में आएगा ए, तो फाइनली बचा कौन है, डी। अब क्वेश्चन स्टेटमेंट के हिसाब से हमने सिटिंग अरेंजमेंट बता लिया। क्वेश्चन बोला है हु इज सिटिंग, सॉरी इन विच पोजीशन ए इज सिटिंग, यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है ए कहाँ पे बैठा है, मिडिल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, मिडिल, ए इज सिटिंग एट द मिडिल। तो ये रहा है इस क्वेश्चन का।